हेलो गाइस, वेलकम टू एवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। तो आज की जो क्लास है वो यूनिट एंड डायमेंशन पर रहेगी, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट के बारे में बता दिया था। इस लेक्चर में हम डायमेंशन पर फोकस करेंगे, और डायमेंशन किस तरीके से फाइंड करते हैं ये भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ किसी फॉर्मूले को अगर हमें जाँचना है, उसकी वेरीफाई करना है कि फार्मूला सही है या गलत है, तो वो भी हम डायमेंशन के थ्रू कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। तो अगर आप अनअकैडमी पर IIT जैम की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी 10 नवंबर से रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है IIT जैम फिजिक्स के लिए, जिसमें राहुल अग्रवाल सर और चंद्रशेखर बोझ सर आपको फिजिक्स में आपको मास्टर करवाएंगे, और आपकी जो तैयारी है IIT जैम को लेकर वो बेहतर करवाएंगे। तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज आपके सामने खुलेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं बैच, और यहाँ पर रिवीजन बैच फॉर IIT जैम फिजिक्स। यहाँ पर आप 10 नवंबर डेट देख सकते हैं। तो जैसे ही ये आप यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, इसको आप इसको एनरोल करेंगे, तो एनरोल करने के बाद आपको जैसे ही ये बैच स्टार्ट होगा 10 तारीख को आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे 10 तारीख को जो आपको पढ़ना है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसी के साथ में फिर यहाँ पे आपको कोर्स पेज मिल जाते हैं कि 11 तारीख को आपको कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा लेक्चर मिलेगा, वो है कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ। इसी के साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज कई सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है आपको रिवाइज करने का, रिविज़न करने का। तो आप आज ही क्या करिए, इस पेज पर, इस लिंक पर क्लिक करके और इसमें एनरोल कर लीजिए, ताकि आपका जो फिजिक्स से रिलेटेड आपका जो रिवीजन है वो हो सके। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो आप वहाँ पर जाकर अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर IIT जैम, IIT जी, नीट, ठीक है, SESIR, या फिर कोई भी फाउंडेशन, NTSC एंड ओलंपियाड का, ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने आज के लेक्चर में। तो यूनिट मैंने आपको बताया था, यूनिट बेसिकली दो टाइप की इसको हम रखते हैं, दो टाइप से इसको हम पढ़ते हैं। एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, डेराइव्ड। तो फंडामेंटल में आप, मैंने बताया था कि ये जो होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो होती है डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ही बनाई जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट्स जो होती है वो किसकी सहायता से बनाई जाती है, फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई जाती है। ठीक है, इसी के अलावा एक और आपने जरूर देखा होगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है कुछ, तो सप्लीमेंट्री भी हमने देखा था, जैसे प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल, और इसी के साथ जो होता है सॉलिड एंगल, ये दोनों जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में आती हैं। और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी। अभी हम बात करेंगे कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, ये जो फंडामेंटल यूनिट आप देख पा रहे हैं, ये फंडामेंटल यूनिट आखिर कितने टाइप की होती है, तो 7 टाइप की मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एक एक करके उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स, उसके साथ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे लिख लेते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद इसकी यूनिट, यूनिट के बाद उसका सिंबल,
ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी। तो फंडामेंटल पहली क्वांटिटी आती है लेंथ, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम। इसी के साथ दूसरी क्वांटिटी आती है मास, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और इसको हम शो करते हैं केजी से। इसी के साथ में जो तीसरी यूनिट आती है वो आती है अपनी टाइम की। टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है, और इसको हम शो करते हैं स्मॉल एस से। उसके बाद जो यूनिट आती है वो आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, तो इसकी यूनिट होती है केल्विन, और इसको हम शो करते हैं केल्विन को के से, ठीक है। फिफ्थ जो यूनिट जो क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ क्या होता है, मैटर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो इसको हम लिखते हैं मोल, और एम ओ एल इसका क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट जो आता है पदार्थ की मात्रा के बाद, एक और इसमें क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक करंट, वो भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट होती है, और इसको हम शो करते हैं ए से। इसी के साथ में जो सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी अपनी है लास्ट, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और यहाँ पर इसको हम शो करते हैं सीडी से। तो ये कुछ आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सात फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, जिसमें एक आता है नंबर एक प्लेन एंगल, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम शो करते हैं आर ए डी से, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, और इसको हम शो करते हैं एस आर से, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूनिट क्वांटिटी हैं, यूनिट्स हैं, और ये सिंबल है, ओके। इसी के अलावा आपको कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की भी हम अब बात कर लेते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कि अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो आता है वो आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनसे मिलकर बना है, क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन में क्या, टाइम। तो इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट कैसे निकलेगा, देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने निकाली है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट निकल के आ गई। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वैसे न्यूटन होती है, तो लेकिन हम यहाँ पर डेराइव करेंगे तो किस तरीके से मिलेगी हमें, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली है, तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोर्स की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। इसी तरीके से एक और आप ले सकते हैं प्रेशर, तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो इसको पी से शुरू करते हैं और इसको हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये होती है फोर्स की यूनिट, क्या निकाली अभी हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एरिया है तो इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर एक मीटर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल यूनिट के द्वारा। अब इसी में अगर आपसे बात पूछी जाए कि आखिर ये डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ एंड टाइम और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा हम कह सकते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करना या उसको लिखना क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो जनरली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं MLT, तो M की पावर X, L की पावर Y और T की पावर Z, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी एम्पियर भी आ सकता है, कैंडेला भी आ सकता है और टेम्परेचर केल्विन भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ऐसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे M क्या है मास, L क्या है लेंथ और T क्या है टाइम, तो इसकी पावर जो होती है उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। जैसे कि वेलोसिटी की मुझे डायमेंशन लिखनी है, तो यहाँ पर क्या है ये M है यानी कि मीटर है, मास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मास नहीं है, तो M की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये मीटर है, लेंथ है तो लेंथ की यूनिट है, इसीलिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की पावर 1, और सेकेंड अपॉन में आ रहा है तो इसीलिए सेकेंड यानी कि कितना हो जाएगा टी माइनस 1। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, ये हो गई। इसी के साथ में अगर आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ पे मिल जाएगी एक्सेलरेशन की डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एम जीरो एल वन और टी माइनस 2। तो ये क्या हो गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। इसी तरीके से फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे अगर देखी जाए तो क्या मिलेगी, तो किलोग्राम आ रहा है यानी कि एम की पावर 1, एल यहाँ पे मीटर भी आ रहा है तो एल की पावर 1 और टी की पावर माइनस 2। तो ये क्या हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई। इसी तरीके से अगर आपसे प्रेशर की डायमेंशन पूछा जाए तो किलोग्राम, तो यहाँ पे एम आ रहा है तो एम की पावर 1, मीटर अपॉन में आ रहा है तो एल माइनस 1 हो जाएगा और टी अपॉन में है इसकी पावर 2 है तो टी माइनस 2 हो जाएगा। तो डायमेंशन निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, आप अगर बेसिक जानते हैं तो आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, एंड मास, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी इस तरीके से आपको गिवन है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला है उसको आप डेराइव कीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे डेराइव करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी एंड मास पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी यूनिट हमें लिखनी पड़ेगी और वेलोसिटी एंड मास की यूनिट लिखनी पड़ेगी, मास की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो आपको इसकी फॉर्मूला जो है उसकी जांच कैसे करेंगे ये आपको पता चल जाएगा, अगर ये सही आता है तो फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हैं इसी से। तो यहाँ पे काइनेटिक है, एनर्जी का जो क्या होता है, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होती है, न्यूटन मीटर। ओके, तो न्यूटन मीटर का मतलब हो गया कि के की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए न्यूटन क्या था, ये था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, तो ये होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ और ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये होती है इसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी पावर x और इसकी पावर y। ठीक, अब इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या मैंने बताया था, एल टी माइनस 1, इसकी पावर क्या हो गया, x हो गया। m को क्या मैंने बताया था, मैंने मास है, तो यहाँ पे m यहाँ पे सीधे हो जाएगा मास और इसकी पावर कितना हो गया, y हो गया। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेते, मतलब इसको कंबाइन कर लेते, तो l की पावर x, ठीक है,
और m की पावर y हो गया यहाँ पे, ओके डन। एंड t की पावर कितना हो गया, माइनस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो y की पावर कितना आ गया, ये आ गया आपका y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब k की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू कितना होना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए v की पावर 2 एंड m की पावर 1, यानी कि k की वैल्यू होनी चाहिए cm v स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो c क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी थी, हाफ, तो कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से एक फार्मूला भी डेराइव कर सकते हैं, और अगर फार्मूला दिया है तो वो सही है या गलत है इसकी भी जांच कर सकते हैं। तो डायमेंशन का जो यूज़ है वो इन कामों में किया जाता है। तो यहाँ से आगे जो है वो मेजरमेंट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मेजरमेंट करना और उसमें क्या क्या एरर्स होते हैं तो वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं, कोई भी कॉमेंट, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।